तो ये है आरव। आरव मुझे दिखा रहा है कि चाचा के घर में आजकल कलर हो रहा है, तो दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ कलर हुआ है। और ये सीढ़ियों में ये ग्रिल लग चुका है सीढ़ियों के, इसमें ज़्यादा वेट मत करवाना। कभी ऐसा नहीं कि वो बहुत फिक्स होंगे, गिर भी जाएगा, वज़न मत रखना अपना। तो इसमें स्टील की वो रख दें, बच्चे सोचते हैं कि बहुत, तो ऐसे कभी कभी होता है कि अभी तो वो लग रहा है पर निकल जाते हैं। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ये ग्रिल सीढ़ियों में, और बच्चों का गिरने का डर होता है तो ये लगा दिया तो सेफ्टी हो गया है। और यहाँ पे तो सामान ऐसे बिखरा हुआ है, अब एक दो महीने में बड़े वाले भाई के घर में सामान शिफ्ट हो जाएगा तो ये यहाँ पे क्लीन हो जाएगा पूरा सामान। और हम चलते हैं ऊपर सीढ़ियों से, आरव हमें दिखाएगा। और कल आरव का बर्थडे था तो मैं आ नहीं पाई, आज आई हूँ। इधर है कलर, वैसे तो ये इसमें क्रीम कलर दिख रहा है वीडियो में। और ये यहाँ ऊपर का पूरा सेट ये रेंट पे चढ़ाएंगे, हाँ वहाँ पे पुट्टी कर रखी है। तो ये है एक रूम, ये है दो सेट है यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पे, तो रेंटल हाउस। और काफ़ी सारी बड़ी अलमारी बना रखी है, दिखाना आरव अलमारी। तो ये कवर्ड है देखिए आप, तो अभी रेंट पे आ जाएगा, अभी जब यहाँ का काम कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे रेंट पे चढ़ जाएगा दो सेट। तो एक कमरा है और ये अटैच बाथरूम है और ये लॉबी है, लॉबी डाइनिंग रूम 1 BHK। एक रूम हॉल और किचन है, बस यही है। एक रूम हॉल और किचन है, दो सेट ऐसे बना रखा इसमें, 1 रूम हॉल। ये बड़ा सेट है, ये वाला जो है ये बड़ा सेट है, तो इसका किचन थोड़ा छोटा है। किचन और ये अटैच बाथरूम है, और इसका किचन तो काफ़ी छोटा बना हुआ है। ये तो किराएदार, किराएदार क्या, वो किराएदार छोटे किचन ही यूज़ कर सकते क्या? और ये यहाँ पे एक लॉबी या ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम आई थिंक वो है, तो इसको बैठक के तौर पे या रूम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये है और एक बेडरूम ये है, तो इसमें 2 रूम सेट है ये वाला, 2 कमरे और लॉबी और किचन। और इसके बाहर ये है, बाहर से गैलरी है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, यहाँ से आगे जाके भी जाने के लिए है ना, आगे भी यहाँ से भी आगे, यहाँ पे तार लगे हुए तो इस वजह से हम जा नहीं रहे, ये तार है। हाँ, और ये बाहर का व्यू इस साइड, बैक साइड से। नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आपका हमारे चैनल रेखा प्रहलाद पहाड़ी ब्लॉग्स में स्वागत है। तो दोस्तों अभी शाम के टाइम हो रहा है और यहाँ पे आई हूँ मैं अपने मायके में। कल मेरे भतीजे का बर्थडे था तो कल बुला रहा था वो आना, मैं कल आ नहीं पाई तो आज आई हूँ। काफ़ी मैसेज कर रहा था सुबह में भी कि बुआ आज आओगे आओगे, तो मैं यहाँ पे अभी आई हूँ। ऐसे तो बर्थडे हो गया है, तो बहू रानी नीचे से देख रही है, हंस रही है, इनका इनका इवनिंग वर्क शुरू हो चुका है। हाँ, दोनों का इवनिंग वर्क शुरू हो गया गौशाला में। और इनके जो वहाँ पे बड़े बड़े वो दिख रहे, झाड़ू पोछा मार रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं अभी। ये नीचे बड़े बड़े से बर्तन रखे हुए, इनमें दाना रखा हुआ है भिगा के, तो अभी दूध निकालने के बाद दिया जाएगा इनको। उससे पहले देते हैं कि दूध निकालने के बाद? दूध निकालने के बाद, दूध अच्छा दूध निकालने से पहले देते हैं। तो अभी वहाँ पे चले गए लोग, और देखिए कितना साफ़ सुथरा हो रखा है सब सूखा, पर यहाँ पर बारिश की वजह से थोड़ा कीचड़ जमा हो रखा है। तो चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। और अभी पापा भी आ चुके हैं ऊपर देखने के लिए, और पापा नंगे पैर ही आते हैं, पापा को ना चप्पल की आदत ज़्यादा नहीं है, तो
तो पापा को नंगा पैर अच्छा लगता है, जबकि यहाँ इतना गंदा है। पापा आप यहाँ देख रहे हैं, आप टाइल्स कांच के टुकड़े ऐसे भी है, आप ऐसे क्यों चल रहे हो? और ये है फ्रंट व्यू, और वो है बड़े वाले भाई का घर, और ये यहाँ से व्यू ऐसा दिखता है। बरसात में तो मौसम ऐसे, और कभी ऊपर छत में ले जाएंगे। और यहाँ से दिखा रही थी मैं कि काफ़ी लंबा गैलरी टाइप, ज़्यादा चौड़ा तो है नहीं है, लंबी सी गैलरी है यहाँ से भी। हम छत में आ चुके हैं काफ़ी दिनों के बाद, यहाँ पे बहुत पहले आए थे। हाँ बिल्लियाँ फेंक ली, तो पाप उन्हीं को चढ़ेगा। और इनकी दो बिल्लियाँ, मतलब चार बिल्ली के बच्चे हो रखे थे, दो मेरी देवरानी ले गई थी और दो बच्चे पता नहीं पड़ोसी, ये कह रहे कि पड़ोसियों ने फेंक दिया। तो ऐसे भी लोग हैं जानवर के बच्चों को ऐसे फेंकते। मम्मी लोग तो काफ़ी प्यार करते हैं, और उसकी उनकी माँ काफ़ी रो रही है, और बच्चे ये भी बहुत प्यार करते हैं बिल्लियों से। हाँ फिटिंग वाला है ना। हाँ और यहाँ से देखिए व्यू, पिछली बार मैंने बड़े वाले भाई की छत से दिखाया था, तो इस बार आज यहाँ से जो जंगल सामने दिखता है वो इस यहाँ से पीछे दिख रहा है जंगल। और अभी ये हमारे पड़ोसियों का घर है, तो इनका भी पीछे की साइड स्पेस काफ़ी है, बाहर जो इनका फर्स्ट फ्लोर है और नीचे भी काफ़ी स्पेस है। ऊपर इनके भी रेंट में है, एक ही फैमिली है ऊपर किराए में, इन्होंने डॉग भी पाला हुआ है। और ये देखिए आजकल हरियाली हरियाली, जहाँ देखो वहाँ हरियाली। और ये बेले हैं जैसे कद्दू लौकी के, यहाँ पे भी काफ़ी सारी लगा रखी है। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी फ़ोटो खींच ली, वीडियो तो नहीं बनाई पर फ़ोटो वोटो खींच लिया है, तो थंबनेल पर देख लेते, मैंने, पीहू ने, आरव ने। और प्राची को तो मोबाइल का इतना शौक़ है कि वो नीचे ही बैठी हुई है मोबाइल पर। हाँ तो ये तो जब मैं आती हूँ बुआ बुआ करते ही रहते हैं, थोड़ी देर में चली जाऊँगी मैं घर। हाँ बोलो। प्राची को ना पीछे से देखते हैं कहाँ पर है वो। हाँ तो सामने वाले घर में बंदर आ रखे ऊपर छत में, अब यहाँ पे भी बंदरों का आतंक काफ़ी हो चुका है, क्योंकि पीछे वो है जंगल, तो उसकी वजह से खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा जंगल में कुछ, तो यहीं पर आ जाते हैं। रेजिडेंशियल एरिया है तो सारे जंगल जो जान ये है बंदर वो सारे इधर आ जाते हैं। और ये सामने गायों के लिए बना हुआ है, यहाँ पे अभी नीचे फ्लोर में प्लास्टर हो चुका है मोटा मोटा सा, गायों के लिए ज़्यादा प्लेन प्लास्टर नहीं करते क्योंकि फिसलने का डर होता है। और ये शेड डाली हुई है, और एक्स्ट्रा फिर बढ़ा के बना रहे हैं यहाँ पे शायद भूसा ऐसे रखने के लिए। और ये देख सकते हैं काम पहले भी दिखा रखा, अभी तो प्लास्टर का पीओपी का काम चल रहा है फॉल सीलिंग का, और सारी जगह पानी भरा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे ये कॉलियस का प्लांट है, काफ़ी सुंदर पत्ते हो रखे हैं रेडिश मैरून टाइप में, और बहुत ही सुंदर। एक बाल्टी में लगा रखा है, पेंट की बाल्टी थी ये नीचे, और ये पूरा एक बुके टाइप का बना हुआ टोकरा। ये है एवोकाडो का प्लांट है ये, और ये एकदम से घर के पीछे लगाता है, इसका भी प्लांट काफ़ी लंबा होता है ये। और अभी ये एक साल बाद ये इसमें एवोकाडो लगना शुरू हो जाएंगे। विदेशी फल है, बहुत महंगा मिलता है, एक ही फ्रूट इसका 250 का मिलता है। उसके बीच बीज तो वही होता है कि प्लांट, अगर इसका जो बीज वो होता है ना फ्रूट्स, 250 का एक मिलता है एक पीस इसका। डैडी ने तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट मैं लेके चले गए हैं, कलर ये पर्पल कलर में है, और मिर्चियाँ निकाल के लाई हूँ मैं, मिर्चियाँ दिखाऊंगा। मिर्चियाँ ये इतना इतनी मिर्ची लिया है, यहाँ पे 3-4 पेड़ हैं मिर्ची की, तो काफ़ी सारी मिर्चियाँ हो गई है इसको सब्जी में डालने के लिए। ये भी है ना मिर्ची के पेड़, ये देखने का वो छोटी है, ये देखना इसमें मिर्ची लगी हुई है, देखा वो भाई इतने छोटे में इतनी बड़ी मिर्ची। ये सड़ गई ये वाली मिर्ची, ये हो गया, चल बस हो गया। और वाले फ्लावर का नाम क्या है? कॉलियस, कॉलियस प्लांट बोलो। बस हो गया आराम। ये रहा कॉलियस प्लांट। और क्या है?
तो दोस्तों भतीजे के बर्थडे के दूसरे दिन मैं मायके गई तो भतीजा काफ़ी फ़ोन कर रहा था, बुआ आ जाओ आ जाओ। तो उनके साथ मैंने काफ़ी फ़ोटो खींची है। बर्थडे के दिन तो नहीं मना पाई, पर दूसरे दिन हम छत में जाके हम लोगों ने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खींची है मेरे भतीजा और भतीजी ने। तो बड़ी दोनों छोटे थे, बड़ी वाली तो नीचे थी, वो तो आई नहीं छत में। तो काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने। दोस्तों मैं अभी घर पहुँच चुकी हूँ और अंधेरा हो चुका है। तो भाई आया था मुझे छोड़ने के लिए आधे रास्ते तक, और आधे रास्ते से मैं खुद आई हूँ। और इस वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और जो पहली बार हमारे चैनल पर आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।